लच्छादार कुरकुरा आलुर पकोड़ी सेटा देखा जितकी सुंदर लगी थाए खाया सेतिकी टेस्टी आतीक जल्दी बन जाए। नमस्कार मुझे स्वर्णा स्वागत करें समस्त ओडिया रोसे रे। तेज चलो देखने आज नुआ नुआ ओडिया रोसेर वीडियो देखिया पई एबे ही तळे थिबा नाली बटन को प्रेस करी आम ओडिया रोसे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ पाखर थिया बेल आइकन को भी दबे दियंतु। लच्छादार आलू पकोड़ी बनिया पई हमको ए सब सामग्री रा आवश्यक अछि। तो एठी मने ये छी तीनटा मीडियम साइज रा आलू को चोपा लगे कि आकु म कद्दूकस कर नै छी। एठी आपन देखि पारु थिबे आलू को सांगे सांगे कद्दूकस करके आपन ताको पानी रे बुढै के रखि दिबे जहा द्वारा कि आलूटी हमरा जमा भी कोला पड़िबो नै। ये मुझ आलू को पूरा पूरी भल से छाण के रखी जमीक आलू जमा भी पा लगे ना। दुईटा मीडियम साइज प्याज को लंबा और पूरा पतला आकार काटिक नहीं सहित कंचा लंका को नहीं रेड कलर रो गोटे इंच अदा को कद्दूकस कर दे चार पांच कला रसुण को ये मुझे छेचिकी नहीं आगु कद्दूकस करके रखी थी आलू थे आम सब इनग्रीडियंट्स को आड करदा जमीक एम प्रथम आड करवा प्याज कुंचा लंका अदा और रसुण को देद स्वाद अनुसार लुण को आड करिबा। बाइंडिंग मु दुई बड़ चमच मैदा को आड कर दुई चमच कॉर्नफ्लोर को मध्य आड करिबा ता सहित गोटे बड़ चमच बेसन को मध्य आड कर सब जिनस को तो एम देदेले भल से गोले नवा जमा भी आपण ए पानी को आड करिबेनी कारण आलू और प्याज अल्प परिमाण जो पानी लाख रही था से पानी ही आपको आम भल से मिसेवा माने देखी पाते बहुत भल से बाइंडिंग जमा भी पानी को आड करनी हाथ में धीरे कि धरिकी तेल राख पकेबार अच्छे मुझे गैस को अन करके कड़े तेल गरम हाँ छाड़ दे गोटा गोटा कर सब आलू बैटर को देद गैस रांच को मीडियम फ्लेम रखी गोटे पट सैड आलुर पकड़ी गुड़ी तो मुझे गैस आर पट सैड को उठी नौचे भाव में उल्ट पाल्ट बनबार अच्छे दूर तीन थर लगे जहाद्वारा कि चारिपट सैड बहुत भलसे कुक हो बहुत भल कलर आस लच्छादार आलू पकड़ी बिलकुल रेडी देखो बहुत बड़ा कलर मध्य आसिका कम जमा भी तेल रखानी काढ़ गोटे प्लेट रखी नौ आउ गए ब्याच पकईनीला आर पट सैड को उल्टी ना कलर चेंज होगा काढ़ गोटे प्लेट रखी ना ये आम गोटे ब्याच बिलकुल रेडी काढ़ सब तक लच्छादार आलु पकोड़ी गुड रेडी तो ये आम दही रोटे चटनी बनवा तो ताकि गोटे जगह तीन बड़ चमच बसा दही को एबे मुझे दे हाफ चमच गोलमचर गुंड को भल फ्लेवर आसो अल्प किसी कटा पियाज को दूचे पूरा गुंड गुंड आकार चुनचुन आकार काटी हाफ चमच लंका गुंड को आड कर चाहिए कंचा लंका को पकई पारती स्वाद अनुसार लुण को आड करवा हाफ चमच चीनी को आड कर हाफ चमच कला लुण बीट लुण को आड कर सब जिन तो ये भलसे गोल तो ये बिलकुल रेडी पानी को दबा जस्ट अल्प टिके पानी को आड कर भलसे गोल तो ये दही चटनी बिलकुल रेडी तो ये आम लच्छादार आलुर पकोड़ी आते दही चटनी बिलकुल रेडी आपड़ा प्रोसेस रे लच्छादार आलु पकोड़ी प्रस्तुत करते कम लगे निश्चय मतलब कमेंट करके जहां। आज रेसीपी जी आपको पसंद आज वीडियो को आदि इनस्टाग्राम और फेसबुक में देखते हैं आप पेज को लाइक कर दिखाँ आप जब यूट्यूब देखते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिखाँ तेज देखा हमारे नेक्स्ट वीडियो से विदाय दिखाँ नमस्कार।